हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोग के लिए बहुत ही प्यारी सी बेबी सॉक्स लेकर आई हूँ। ये सिर्फ आपको दोनों साइड से उल्टा उल्टा बना के बनाना होगा। बहुत ही इजी है, इसको सभी बिगनर्स भी बना सकती हैं और बहुत प्यारा। आप एक घंटे में दोनों पैर का बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए फ्रेंड्स हमने देखिए यहाँ पे 9 नंबर की सिलाई ली है और एक हमारा नॉर्मल ऊल है और एक हमारे ये 3-ply का ऊल है। ठीक है, तो आपके पास बचे हुए ऊन हो तो आप उसका भी बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पे सबसे पहले 36 फंदे डाले हैं। 3 पार्ट में हमको 36 फंदे को डिवाइड करना है। तो आपको अगर इससे बड़ा बनाना है तो आप, जैसे मैंने यहाँ पे 36 डाले हैं तो आप और भी डाल लें, ठीक, ताकि ये ऐसा फंदा डालें दो दो एक्स्ट्रा करके, ताकि ये, अगर आप 45 फंदे डालें, 15 30 या 15 या 45 ऐसे, ठीक, या 3 पार्ट में, ताकि डिवाइड हो जाए अगर आप बड़ा बनाते हैं। यहाँ पे हम 12 12 12 में 24 12 36, तो 3 पार्ट में हमारा ये डिवाइड होगा। अब क्या करना है, हमने देखिए 36 फंदे डालने के बाद हमने देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 लाइन हमने यहाँ पे ऑरेंज की बनाई है, ध्यान से देखिएगा, और 1 2 3 4 लाइन हमने यहाँ पे ब्लू की बनाई है। उसके बाद अब हमने क्या करना है, पीछे से देखिए हम यहाँ पे 12 फंदे को बंद करेंगे। ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी है। फंदे हम ऐसे ही बंद करेंगे जैसा कि आप लोग को हमेशा दिखाते हैं। 2 फंदे को हम एक साथ बुनेंगे, देखिए उल्टा, फिर इस फंदे को इस सिलाई पे ले जाएंगे, इन दोनों को एक साथ बना लेंगे। फंदे जो आप बंद करेंगे वो हमने नॉर्मल हाथ से बंद करना है, ना ही ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा लूज। तो यहाँ पे हम 12 फंदे बंद करेंगे। चार फंदे हमने बंद कर लिए, 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12, हमने यहाँ पे टोटल 12 फंदे बंद कर लिए। देखते हमारे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 फंदे हमारे बचे हैं, सॉरी 12 2 24, ठीक, अब हो गया ये हमारा बराबर। अब देखिए इसको हमने बंद करने के बाद यहाँ से हमारा कलर चेंज होगा। अब देखिए यहाँ से हमने ब्लू कलर लगा लिया है। अभी हम सभी फंदे को बनाएंगे, उस साइड से आएंगे तो 12 फंदे फिर से हमने बंद करना है। सेंटर में हमारे 12 फंदे रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी डिज़ाइन है ये, इसमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको एक लंबी पट्टी बना के इसको आपने बनाना है। चलिए हम ऐसे ही सभी फंदे को बुन लेते हैं। देखिए हमने 12 फंदे इधर बंद किए और 12 ही फंदे हमने इस साइड भी बंद करना है। इसको हम उल्टा उल्टा बनाते हुए बंद करेंगे। फंदे को आपने ज़्यादा टाइट नहीं बंद करना है। अब देखिए इन दोनों फंदे को एक साथ 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए हमने इधर भी 12 फंदे बंद कर लिए, इधर भी 12 फंदे बंद कर लिए, ठीक। सेंटर का जो हमारा 12 फंदा है इसको हमने यहाँ पे उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट करना है। बस अब हमें यही 12 फंदे को
10 लाइन बनाना है। 10 लाइन यानी दोनों साइड से मिला के हमारी ये 20 सिलाई बनेगी। कलर चेंज करते हुए 5 लाइन ब्लू की, 5 लाइन ऑरेंज की आएगी। अब आ गया बैक साइड, फिर से हमारा यहाँ पे कलर चेंज होगा। ऑरेंज कलर से हम बनाएंगे सभी फंदे को। तो चलिए बना लेते हैं, फिर आप लोग को दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने आप ये 10 लाइन कंप्लीट कर लिया बना के। ये देखिए, यहाँ से हम काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो टोटल हमने यहाँ पे 10 लाइन बनाई है, ध्यान दीजिएगा। इधर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक 10 लाइन ये बनाया, 10 लाइन ये, टोटल ये हमारी 20 लाइन बनी हुई है। देखिए कितना इजी है और कितनी जल्दी ये बनेगा। अब इसको हम फंदे को बंद करेंगे। तो पीछे की साइड से हम देखिए फंदे जैसे भी हमने बंद करके दिखाया, सेम वैसे ही आपको इधर भी फंदे को बंद करना है। दो फंदे को एक साथ, बंद करना है, ज़्यादा टाइट नहीं बंद करना आपको फंदे। आप लोग इसको बड़ा भी बना सकते हैं। ये मैं 3 मंथ से लेकर 6 मंथ के लिए बनाई हूँ। न्यूबॉर्न बेबी को भी आप पहना ही सकते हैं। देखिए हमने एक एक करते हुए सभी फंदे को यहाँ पे बंद कर दिया। अब इसकी हम सिलाई करेंगे। तो दोनों में से किसी भी कलर के धागे से आप सिल सकते हैं। इसको खींचेंगे और नॉट लगा देंगे यहाँ पे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने इसकी देखिए फंदे को बंद कर लिया है। अब इसकी हमने सिलाई करनी है, नॉर्मल से सिलाई करनी। तो देखिए कितना खूबसूरत है और कितना इजी है फ्रेंड्स। तो चलिए इसको सिलाई करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखिए इसको ऐसे लेंगे, ध्यान से देखिएगा। ऐसे लिया, फिर इसको हम ऐसे लेंगे क्रॉस करते हुए, ठीक। ये दोनों पट्टी देखिए ऐसे, आपको एक चीज़ का और ध्यान देना है, लेफ्ट राइट का क्या इशू है। देखिए एक बार आपने इस पट्टी को नीचे रखना है, ठीक, फिर इसको एक पैर का बनाने के लिए। फिर जब दोबारा आप बनाएंगे तो पहले इधर का इस साइड ऐसे करेंगे और इस साइड ऐसे करेंगे। अभी हमारा ये पहला सॉक्स पहले पैर का है, तो हम चाहें जिस साइड से इसकी सिलाई करें, उसके बाद जब दूसरे पैर का आप बनाएंगे तो इतना ध्यान दीजिएगा, बस आपको यही ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पे हम 1, 2, 3 तीनों पार्ट को लेके यहाँ पे सिलेंगे। तो सिलने के लिए हमने यहाँ पे देखिए ऑरेंज कलर के ऊन को लिया है, सुई भी ले ली है। नॉर्मल हम यहाँ पे सिलाई करेंगे तीनों पार्ट को पकड़ते हुए। जैसे भी आप सिलाई करते हैं वैसे कर लें। अब देखिए यहाँ से सिलते हुए हम इस साइड इधर सिल लेंगे, फिर ये सिलते हुए हम ये सिल लेंगे, ये दोनों पार्ट इधर, और दो ही पार्ट ये वाला और ये वाला इधर सिलेंगे। चलिए सिलते हैं, फिर आप लोग को दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये इसकी सिलाई यहाँ से भी कर ली है और इस साइड से भी, और आगे भी तीनों पार्ट लेके सिल। अब इसको हम सीधा करेंगे।
देखिए फ्रेंड्स कितनी खूबसूरत ये बन के आई है। एक सिंपल पट्टी से आपको बनाना है। इसमें देखिए जब आप अपने बेबी का पैर डालेंगे तो काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा, देखिए। और आपको लेफ्ट राइट का बस वही ध्यान देना है, एक बार आपको बस इसमें आप देख रहे हैं पहले आपने इधर के पार्ट को नीचे किया, फिर इसको जब सेकंड पैर का आप बनाएंगे तो ये वाले पार्ट को मतलब इधर के साइड की पट्टी को पहले नीचे करेंगे, इसको ऊपर करेंगे, बस आपको यही ध्यान देना है। तो काफ़ी ये देखिए स्ट्रेचेबल भी है क्योंकि यहाँ पे गार्टर स्टिच बना है, ऐसे आप अपने बच्चे को पहना सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पे कोई सो बटन भी लगा सकते हैं, देखिए ऐसे यहाँ पे, नहीं तो इसको बंद करने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी प्यारा बना है, काफ़ी स्ट्रेचेबल भी है, आप इसे बचे हुए ऊन से भी बना सकते हैं। जैसे मैंने दो कलर में बनाया है आप इसको मल्टी कलर में या सिंगल कलर में भी बना सकते हैं। तो देखिए कितनी खूबसूरत ये बन के आई है फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारी लग रही है, देखिए। तो आज की वीडियो आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।